हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। आज बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वापस आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाने जा रहा हूँ, एज वेल एज कैसे फॉलो करना वो भी बहुत जरूरी है दोस्तों। सिर्फ ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा राइट, अनलॉक है तब तक राइट। तो आप मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा राइट, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाउड बोलूँ तो हम वो जो भी डिस्टर्बेंस है उसको बीट कर पाए, और बाकी का जो डिस्टर्बेंस आएगा उसको आप मेरी स्पीच पे फोकस करके बीट कर दीजिए राइट। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए, अभी ये जो रिलायंस का स्ट्रक्चर है, डेली चार्ट है, तो कहाँ से आपको लेना है ट्रेंड लाइन, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ये जो मेरा पेड सॉफ्टवेयर है, इट्स अमेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे मैं ये लो कैच करता हूँ, दूसरा यहाँ से वो ऑटोमेटिक बॉटम पकड़ लेता है राइट। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे ही स्ट्रक्चर में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दो बॉटम के बीच का टॉप टूटा हुआ होना चाहिए राइट। अगर मेरे पास चार्ट यहाँ तक का ही होता तो मैं ये लो नहीं ले सकता राइट। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आते हैं तो वहां से बाई करते हैं, बट हमारा जो फॉर्मूला पूरा अलग है। हम क्या करते हैं, अप ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वी विल लुक फॉर सेल। तो दोस्तों ये देखिए, ये रिलायंस ने कल अप ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, देखिए क्लोज जो है वो ट्रेंड लाइन के नीचे है राइट, एंड टुडे इट हैज टेकन द रिएक्शन राइट। तो दोस्तों ट्रेड विद द ट्रेंड के रूल के हिसाब से ये लो और ये लो दोनों में से जो लो लोवेस्ट है उसके नीचे डाउनफॉल आ सकता है राइट। तो लो है 1143, दिस इज द कैश चार्ट ऑफ रिलायंस। ओके दोस्तों, तो इसको मैं ले चलता हूँ आपको पेंट में, सो आई कैन एक्सप्लेन इन डिटेल, वन मिनट फ्रेंड्स। सो देखिए ये आ गया पेंट में। अभी दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अपना 1143 का लो है उसके नीचे जाएगा तो प्रेशर आ सकता है। अगर वो नीचे ही ओपन होता है तो कुछ काम का नहीं है, बट उसके 1143 के ऊपर कहीं पर भी ओपन होने के बाद वो लो ब्रेक करता है तो काम का है। अभी कब तक नीचे जाएगा मैं ऐसा नहीं कहूँगा 600 या 400 हो जाएगा जो लोग बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड राइट। जब तक रेड बार बनते रहते तब तक होल्ड करना है एंड वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस राइट फ्रेंड्स। तो उसका हाई स्टॉप लॉस बनेगा, दिस इज ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पज फ्रेंड, और स्टॉप लॉस ऑलवेज रिएक्शन का हाई रहेगा राइट, और कल ही होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया रिलायंस का सबसे बेस्ट जो अभी चार्ट मुझे मिला है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, जितना हो सके लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी उसका अपॉर्चुनिटी दे। अभी HDFC बैंक में भी देखिए, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये एक पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये दो लाइन पे आपको फोकस करना है राइट। ये वाली लाइन अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे राइट, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था राइट। तो दोस्तों यहाँ पे उसको टच किया और रिएक्शन लिया है, तो HDFC बैंक आपको वॉच करना है बिलो 843 राइट, और स्टॉप लॉस ये रिएक्शन 890.70, और रिलायंस का सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर लूप के नीचे ओपन होता है अवॉइड करें, स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइए, पहले ये स्टॉप लॉस फिर जनरेट होने के बाद वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस, एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो दोस्तों जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो में सिर्फ छोटा बनाना चाहूँगा जिससे आप देख सके और आपको मजा भी आए राइट, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लुक्रेटिव है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है राइट। सो फॉर टुमारो वॉच HDFC बैंक एंड रिलायंस, अगर नीचे ओपन होता है तो अवॉइड करना है ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं तब तक के लिए, एंड थैंक्स ये जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है PC में उसको सहन करने के लिए राइट। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।